हाय गाइज, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी ओन 6 और आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन के कैमरे का यूआई का रिव्यू करने वाला हूँ कि कैमरे में क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जो आप यूज़ में ले सकते हो। जिसमें बैक कैमरा दिया हुआ है वो 13 मेगापिक्सल दिया हुआ है जो कि 1.9 अपर्चर के साथ में आता है और सिंगल LED फ्लैश के साथ में आता है। और फ्रंट में जो कैमरा दिया हुआ है वो 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है जो कि एक LED फ्लैश के साथ में आता है। तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर की साइड में। सबसे पहला जो मोड है वो SDR मोड दिया हुआ है जिसमें कि आप SDR में फ़ोटोज़ ले सकते हो। और जो सेकंड मोड दिया हुआ है वो नाइट मोड दिया हुआ है, आप नाइट में अगर फ़ोन फोटो लेना चाहते हो तो नाइट में यूज़ में ले सकते हो। पर इस मोड में जो SDR और नाइट मोड है उसमें आपको फ़ोन को स्टेबल रखना होगा। अगला जो मोड दिया हुआ है वो पैनोरामा मोड दिया हुआ है, पैनोरामा में आप पूरी चौड़ाई में फ़ोटो ले सकते हो, मतलब एक आयताकार एक फ़ोटो बना सकते हो और एक फ़ोटोज़ ले सकते हो इसमें। अगला जो मोड दिया हुआ है यहाँ पे प्रो मोड दिया हुआ है, प्रो मोड में आप ISO लेवल और वाइट बैलेंस वगैरह वो कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ें इसमें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ISO 800 तक बढ़ा सकते हो और वाइट बैलेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो मोड है ब्यूटी मोड दिया हुआ है, वहाँ पे आप ब्यूटी मोड में आप अपने चेहरे की ब्यूटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आगे जो मोड मिलेगा उसमें आपको ऑटो मोड देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा मोड ऑटो मोड ही रहता है जिसमें आप फोटोज अच्छी तरीके से ले सकते हो। इसके आगे जो मोड देखने को मिलेगा वो स्टिकर मोड देखने को मिलेगा, जैसे आपको कैमरे को फेस दिखेगा उसके बाद में ये डिटेक्ट कर लेगा और जो स्टिकर है वो लाइव वहाँ पर एक्टिवेट कर देगा। अगला जो फीचर दिया हुआ है वो कंटिन्यू शॉट का दिया हुआ है, उसमें आप कंटिन्यूसली डायरेक्ट आप शॉट ले सकते हो, मतलब आप जितने शॉट यहाँ पर लेना चाहते हो बटन को दबाए रखना होगा, उसके बाद में आप एक साथ 10 शॉट, ये जैसे जैसे तो मैंने 10 शॉट ले लिए, तो इस तरीके से आप 14 फोटोज़ यहाँ पे डायरेक्टली खिंच जाएगी। और एक और फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप ऑटो मोड में जाते हो तो ऑटो मोड में जाने के बाद में आप फुल व्यू में वो ले सकते हो फोटो और देख सकते हो कि फुल व्यू में आप 18:9 रेशियो में फ़ोटो ले सकते हो। तो इस तरीके से आप 18:9 रेशियो में फ़ोटो ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन नीचे जो दिया हुआ है वो फ्लैश का दिया हुआ है, और फ्लैश इवन यहाँ पे आप फ्लैश ऑन और ऑटो ऑफ कर सकते हो। ये जो मोड दिया हुआ है वो ब्यूटी मोड ही दिया हुआ है जो कि फ्रंट में भी आप यूज में ले सकते हो, और इस आइकन से आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी कैमरा केवल दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इधर स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली और इससे पॉज कर सकते हो। इसको रेड कलर के बटन को दबाना है, उसके बाद में आप वीडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे रेड कलर का बटन दबाते हैं आप वीडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो और जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरे में भी आप स्टिकर वगैरह यूज में ले सकते हो। यहाँ पे सेल्फी फोकस का भी फोकस दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्फी फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि आप आराम से इजीली सेल्फी फोकस सेल्फी ले सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने सेल्फी फोकस में ली हुई है। नाइट में भी अगर आप सेल्फी फोकस में लेते हो तो बैकग्राउंड अच्छे तरीके से ब्लर कर देता है। और सेल्फी जो इंटेंसिटी दी हुई है फ्लैश दिया हुआ है, सामने ही साइड में फ्लैश दिया हुआ है जिसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो। और फ्रंट में भी आप 16:18:9 रेशियो में फ़ोटो ले सकते हो। फ्रंट में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये जो जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते इसमें सेल्फी में, स्टिकर्स भी आप लाइव लगा सकते हो और साथ में आप वाइड सेल्फी भी ले सकते हो। अब बात करते हैं सेटिंग की, तो सेटिंग में आपको पिक्चर सेटिंग दी हुई है जो कि आप 13 मेगापिक्सल कैमरे में 18:9 रेशियो की फ़ोटो ले सकते हो और 16:9 रेशियो की फ़ोटो भी ले सकते हो, 1:1 की भी फ़ोटो ले सकते हो। वीडियो साइज़ यहाँ पे फुल HD में ले सकते हो जो कि आप रियर कैमरे में यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, और फ्रंट कैमरे में आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट कैमरे में आप जो सेल्फी ले पाओगे वो आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप टाइमर भी लगा सकते हो। सेव पिक्चर एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और एडिट कैमरा मोड में आप HDR वगैरह या फिर जो ऑप्शन सामने दिए हुए होते हैं उन्हें भी आप हटा सकते हो, या फिर उनका जो लेवल है मतलब जो उस रेंज में आते हैं वो भी चेंज कर सकते हो आप। ग्रिड लाइंस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लोकेशन टेक का अनेबल कर सकते हो जिसमें आप लोकेशन का डेटा सेव हो जाएगा, और फ्लोटिंग कैमरा बटन का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको बताने वाला हूँ मैं। और प्रेस वॉल्यूम की से आप फोटो कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो, रिकॉर्ड वीडियो भी सेटिंग कर सकते हो। एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि अगर आप फोटो लेते हो कोई भी
तो फोटो के लिए आपको ये फ्लोटिंग जो कैमरा बटन दिया उसको यहाँ पे आप ले जा सकते हो, उसके बाद में स्क्रीन से कहीं भी फोटो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें सैमसंग ओन 6 में फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। जो मैंने आपका इसका पूरा मेनू है वो समझा दिया, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने ली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो सेल्फी फोकस से ये फ़ोटो ली हुई है और बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर है। और कुछ फ़ोटोज़ ये ली हुई है डे लाइट में ली हुई है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, और वाइड एंगल में आप फोटोज़ इसमें ले सकते हो। डे लाइट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, नाइट में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। फोकस काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है। कैमरे का रिव्यू आपको बाद में मिलने वाला है, वो आप बाद में देख पाओगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।